एक घर में तीन भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़े परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी, आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। पिताजी भी बहुत परेशान थे और माँ भी। बहन जब भी मायके आती थी सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती थी, मगर मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था न घर पे जल्दी मिल सकता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका था तो यही काम था। मझले की शादी किए बिना पिताजी गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गाँव से एक सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू आज अड्डे पे आना। चंदू बोला, आज नहीं फिर कभी। अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया है। अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपनी रोटी अपने हिस्से से कमा लेता था, लेकिन अभी बात कुछ अलग है, क्योंकि अब दो पेट है, कल और होगा। घर वाले नालायक कहते थे चलता था, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक बद्दी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा, माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू अपने भाइयों से कहता है कि तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो हो दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन बोली, अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे अच्छे भाई और बहन मिले हैं। फिर माँ बोली, अरे चंदू आज रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में से दो भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू के लिए पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है, बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। चंदू कहता है, ओह शायद पढ़ा लिखा न होने में ही मूर्खता है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरे बहन छुटकी के नाम कर देना। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू। चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना, उसको मैं संभाल लूंगा। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुरा के, क्यों चांदनी जी, क्या मैंने गलत कहा। चांदनी अपनी सास से लिपटकर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जिन्होंने बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गवार भैया से गले लगते हुए रो रही थी, माफ कर दो भैया, मुझे क्यों नहीं समझ में आया कि आप इतने महान हो। चंदू अपनी बहन से कहता है, इस घर में तेरा उतना ही अधिकार है जितना हम सबका। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सबसे हमेशा जुड़ी रहो, क्योंकि यह वही कोख है जहाँ हमने 9 महीने गुजारे थे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को मैं हमेशा देखना चाहता हूँ। दोनों भाई दौड़कर मझले से गले मिले और रो रो कर कहने लगे, आज सचमुच तू बड़ा हो गया है। सबकी पलकों में पानी ही पानी, सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे, मैंने टूटे परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग देखे हुए हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपकी कमेंट नीचे बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को। धन्यवाद।